फीडर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम फिशिंग करने के लिए आए हुए हैं राजस्थान में और इमरान भाई के थ्रू आए हैं। ये इमरान भाई हैं और ये साजिद भाई हैं और ये असलम भाई हैं। इन्होंने काफ़ी स्पोर्ट के बारे में बताया और ये लोग खुद से फिशिंग करते हैं, इनको अच्छी खासी नॉलेज है। तो इनके साथ आज फिशिंग करेंगे और देखेंगे कि इस एरिया में किस तरह से मछली को पकड़ा जाता है और इनके पास क्या टेक्निक है मछली पकड़ने का। और मैं जो इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं फीडर इस्तेमाल करूँगा। ये अपने लैंग्वेज में झुमकी बोलते हैं और वो झुमकी किस तरह से होती है मैं अभी वीडियो में अपडेट करता हूँ। आप हमारे वीडियो में बने रहें कि एक्चुअल में मछली पकड़ने का किस किस तरीका और कौन से एरिया में किस तरह से मछली पकड़ी जाती है और कौन से बाइट्स का इस्तेमाल किया। इमरान भाई तो अपनी बाइट बना ली है और मैं अब अपनी बाइट बनाने जा रहा हूँ। ये हमारे देसी नुस्खे हैं, पहले इस्तेमाल करता हूँ। एक्चुअली होता ये है कि नदी जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह की डिफरेंट डिफरेंट जो फिश होती है वो अलग अलग बाइट खाना पसंद करती है। तो मैं अपना बाइट भी इस्तेमाल करूँगा और इमरान भाई अपना भी बाइट इस्तेमाल करेंगे। जिसमें ज़्यादा मछली लगेगी मैं सारा अब वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि हम कौन सा बाइट इस्तेमाल किए हैं। आप नए हैं तो वीडियो में बने रहें, इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। बाइट को ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, इसको खुरदुरा टाइप का रखेंगे ताकि इजी से जब पानी के अंदर जाए तो ये फैल जाए। फैलने की वजह से मछली का मूवमेंट बन जाता है और ज़्यादा मछली लगने की चांस होती है। करूँगा ये, मैं ऑलरेडी फीडर बना के रखा हूँ, देखता हूँ कि किस तरह का एक्सपीरियंस होता है। फीडर में जो बाइट लगाएंगे पहले सारे हुक्स को इस तरह से होल्ड कर लेंगे, उसके बाद जो बाइट्स को उठाएंगे। फर्स्ट बाइट थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे ताकि मछली वहाँ पे आए बाइट्स को खाने के लिए। और कोशिश करें जो इसमें स्प्रिंग लगी होती है सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। ये जब इसमें लग जाती है तो फिर इसमें पॉपअप्स लगाना होता है, जो नॉर्मल पॉपअप्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऊपर ही होल्ड कर देंगे। सारे हुक्स में पॉपअप्स लगा देंगे। पॉपअप्स लगाने के बाद इस तरह से हल्का पुश कर देंगे। ये हमारा फीडर, जो फीडर का तरीका होता है, फीडर इस तरह से यूज़ करें, इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। देखिए किस तरह से यूँ आटे को जो इनके बाइट्स होते हैं उस पर इस तरह से लगा देते हैं। अब उनको इसे राउंड शेप में करके इसी टेक्निक से मछली पकड़ने की वो फेंक रहे हैं, वो लग गए। माशाअल्लाह जबरदस्त। इसे क्लॉट बोलते हैं, खरोट। खरोट, ये खरोट फिश। माशाल्लाह ऐसे तैरती है। अरे इमरान भाई एक और आ गई। क्लियर
अल्लाह, काफी जबरदस्त साइज है मेरे भाई। ये बेहतरीन साइज, सुपर। ये अप्रोक्स आधी किलो के समथिंग का है, सुपर साइज, बेहतरीन पीस। मजा आ गया। किसान भाई को एक मछली लगी है, है छूट गई, छोटा है। चलो कोई ना, कोई तो लगी। आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं इमरान भाई। ये काफ़ी बेहतरीन शिकारी है इमरान भाई, इन्होंने चार चार पाँच पाँच केजी की रोहू पकड़े हैं। ये छोटी सी मछली, वाह, खरपटा 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 मछली लगी है। ये तो शुरुआत है, ये जलवा है इमरान भाई का, आगे देखते हैं।